वीडियो में आईवी लगाने का तरीका भी दिखाया गया है, वो सिखाया भी गया है कि सर आईवी लगाई जाती है। और बकरी को हुई थी चोक की समस्या, तो मैंने किस तरह से उसकी चोक खोली है या समस्या कुछ और ही थी वो भी दिखाई गई है। पूरी वीडियो जरूर वीडियो देखें। में दिखाया गया इलाज जो भी कुछ इस वीडियो में किया गया आप घर पे बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं और आपके जानवर को कुछ होता है, चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वेलकम बैक टू साहब रिकॉर्ड फॉर्म। आज का टॉपिक है कि बकरी को उल्टियां हो रही हैं। अब उल्टियां किस प्रकार से हो रही हैं नहीं समझ में आ रहा है, लीवर की प्रॉब्लम है या है प्रॉब्लम चौक लगने की। तो मुंह खोल के देखा तो इसके मुंह में झाग नजर आ रहे हैं लिमिट से ज्यादा, क्योंकि नॉर्मल जानवरों के मैंने भी देखे नहीं थे इतने, इसके कुछ ज्यादा है। शरीर से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। 60-65 किलो की बकरी मात्र 40 किलो या 45 किलो की बची होगी, बहुत कमजोर है मैं। पर टेंशन इस बात की है कि मतलब यार अचानक से इतनी उल्टियां होने लगी, मैंने गौर नहीं कर पाया क्योंकि मैं घर पे ज्यादा रहता नहीं हूँ। फार्म में मैं मॉर्निंग में आता हूँ और फिर ये वो फीडिंग के बाद में तुरंत पानी पीते ही उल्टी कर देती है। मैंने जरूरत के सामान से लिया पाइप जो कि चौक खोलने के लिए काम में आएगा, तो इस चौक को खोलने के लिए तराई करने वाला पाइप ले लिया 1 मीटर नाप के पूरा मैंने, मोटा वाला नॉर्मल जो होता है। फिर लीवर टॉनिक भी मंगा लिया था मैंने, एम्लिक्योर का नंबर 1 का लीवर टॉनिक है, जानवरों का इसके अलावा कोई है ही नहीं लीवर टॉनिक। दिन में 5 ml दिया जाता है। और अगर इंजेक्शनों की बात करी जाए आगे, तो आईवी का मैंने सोचा इसको मैं आईवी लगाऊंगा, ड्रिप्स लाइन की, और टीएनएस लगाऊंगा क्योंकि उल्टियों में खास काम में आती है। इंजेक्शन अगर मैं डालना चाहूँ तो इसमें टोनोफोस का इंजेक्शन है, लेकिन ये मैंने आईवी लगाया है, नस में डायरेक्ट वेन में लगा दिया था। 4 ml मैंने आईवी लगा दी क्योंकि लाल कलर का पेशाब भी कर रही थी फास्फोस की कमी की वजह से। और न्यूरोकाइन का इंजेक्शन, ये मैंने इंजेक्शन इसको नर्वाइकल बैठने के उठ के खड़े होने में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने इंटरमस्कुलर लगाया था। ये हाईटेक का इंजेक्शन जो है, ये मैंने इसको सबकट लगाया था, सबकट ताकि डिवॉर्मिंग अंदर बाहर की हो जाए। मैंने इसके आंखें और मसूड़े, आंखों का मांस और मसूड़े चेक करे क्या इसे डिवॉर्मिंग की जरूरत है, क्या इसके अंदर खून की कमी हो गई है। तो हाँ, मुझे इसको चेक करने के बाद में, क्योंकि खा पी कुछ नहीं रही है, खून भी कहाँ से इसके अंदर बनेगा और घटेगा और कमजोर हो जाएगी, तो बिल्कुल इसको खून की कमी हो गई है। तो मैंने सोचा इसके डिवॉर्मिंग के लिए भी मैं ऑरली एल्बो मार का इस्तेमाल करूंगा। तो एल्बो मार का इस्तेमाल हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन मैं 2 तरह से डिवॉर्मिंग करूंगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हम प्रोसेस पे चलते हैं। तो मैंने तिल का तेल ले लिया है जो मुझ पर था, और आप इस पे मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, सरसों का तेल। तो मैंने पूरा कवर कर लिया इस पाइप को पूरा इस तरह से, ताकि कहीं भी इसको सूखा महसूस ना हो या कहीं पे छिलने के चांसेस ना हो। और गोलाकार में कटा है, आगे से कोई नोक नहीं निकल ली पाइप की। और मैंने इस बकरी को खड़ी करके छोटा सा बांधा था, बिल्कुल मैंने गले से बिल्कुल छोटा बांधा है, चेन में नहीं बांधा। आप गौर करें अगर, तो मैंने इसके मुंह में उंगली डाल के जबान रोकना चाहिए, नहीं रुकी। तो फिर मैंने कपड़े से इसकी जबान को पकड़ के रोकना चाहा। क्यों? क्योंकि अगर जबान को हम रोक के दबा करके और पाइप जब डालेंगे ना, पाइप सीधे हलक से उतर के उसके रूमन में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हमने जबान नहीं रोकी और अगर चलती जबान इसकी छोटी हुई जबान के अंदर हमने जबान बिना दबाए हमने पाइप डाला, तो पाइप जाएगा सीधा फेफड़ों की नली में, और फेफड़ों की नली में जाकर के बकरा हो जाएगा इतना ज्यादा बेचैन जिसका कोई जवाब नहीं, हवा आने लगेगी। तो हवा ना आए ऐसा हमें प्रोसेस करना है। मैंने देखा कि हवा नहीं आ रही, तो फिर मैंने पाइप और डाला, लेकिन फिर दोबारा चेक करने के लिए कान लगाया तो पाइप में से हवा नहीं आ रही, तो प्रॉपरली पाइप पूरा अंदर चला गया। जाने के बाद यहाँ मुझे कुछ फील हुआ था, कोई कुछ इसने निकला यहाँ से और हवा नहीं आई। मैंने ये फिर 3 बार चेक करने के बाद में लंग्स में नहीं गया, सीधा रूमन में चला गया, पाइप परफेक्ट गया है। और मैंने थोड़ा अंदर बाहर किया ताकि अगर चोक का चांस हो, अगर बाई चांस, क्योंकि भूसा खाती है बकरी, स्टॉल फीडिंग करता हूँ मैं, भूसा खाती है, भूसा खाने की वजह से चोक लगने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो मैंने अंदर बाहर किया और बकरी ने काफी ज्यादा राल भी निकाली है, झाग भी निकाले हैं जब मैंने पाइप छोड़ दिया, तो काफी ज्यादा उसने। और यहाँ पानी देख सकते हैं। अब जो यहाँ पे एक बात और बता दूं मैं आपको, कभी भी बकरी का पेट फूल जाए, गैस बन जाए और पेट में पानी भर जाए, इंजेस्टा भर जाए पूरा, मतलब फ्लूड पूर बहुत ज्यादा हो जाए उसके पेट में, तेजाब बन जाए, ये प्रोसेस आता है काम में तेजाब निकालने के पेट से, और तुरंत बकरी बच जाएगी। अगर छोड़ दिया तो बकरी 5-7 घंटे में मर जाती है, डिहाइड्रेट बॉडी होने की वजह से। बकरी ने यहाँ पेशाब किया और पेशाब का रंग लाल था। मैंने दोबारा यही प्रोसेस रिपीट किया, कपड़े से जबान को पकड़ा, पाइप लिया, स्लोली स्लोली बिल्कुल आराम आराम से मैंने हलक में उतारा। पाइप गलत जा रहा हो या सही जा रहा हो, मुझे
हल्के ही करना है। और फिर पहुंचने के बाद मैंने हवा को भी यहाँ पे चेक किया कि नहीं आ रही है, दूसरी बार में भी। अब मैंने यहाँ से डाला पानी, अब यहाँ मैंने पानी डालने के बाद में ये किया कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब पाइप के अंदर भी कुछ भर जाए, तो फिर पाइप में से जो होगा वो सीधे रोमन में चला जाएगा, भूसे की चोक लगी होगी, क्योंकि कपड़ा नहीं खाती है बकरी हमारी, न पन्नी खाती है, कुछ खाती नहीं है, इसमें ये बहुत अच्छी आदत है, ठीक है। और मैं कुछ रखता भी नहीं अपने फार्म के अंदर, तो इसलिए मैंने यही सोच के पानी डाल दिया। और हालांकि अगर इसने कुछ और खाया होता, पन्नी, लोहा, कील, मतलब कुछ भी, तो भाई देखो उसमें तो फिर ऑपरेशन होता, उसके बाद ही इसको ठीक किया जा सकता था, अन्ना पेट में इसको तकलीफ बनती रहती, बार बार गैस जो बनती है पन्नी खाने की वजह से बनती है। दवाई खिलाओगे पन्नी का असर कम हो जाएगा, अफारा टूट जाएगा, फिर दोबारा अफारा बनेगा, वो पन्नी खाने की वजह से बनता है, याद रखना। तो यहाँ मैंने पूरा पाइप निकाल दिया, मेरा शक जो था थोड़ा सा कम हुआ। और यहाँ में इसने मैंगनी करी थी, तो मैंगनी परफेक्ट गोलाकार में आई है, बकरी स्वस्थ है ऐसा मुझे फील भी होता है, लेकिन शरीर से टूटती जा रही है। तो फिर मैंने सोचा चलो आज अपने फादर से को भी थोड़ी सी ट्रेनिंग दे देता हूँ, उनका टेस्ट ले लेता हूँ, मैं ना हूँ तो क्या पता वो हैंडल कर ले। एक ही बारी में आगे पीछे ना हो, एक ही बारी में डालना, आधा इंच गोल घुमा के छेद हो जाता है खराब। बस 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 बंद करो, आई भी यहाँ से चालू हो गई, बस खून साफ करो। होपलेस हो रहे तुम तो ऐसे, हवा निकाल दो, पहले एक आया हाईवे पे सीधा पाइप, चल काइनस दिखाओ। हाँ यूं नहीं डालना है, हल्की सी यहाँ डाल के यूं लगाओ। अंगूठा नहीं हटाना है, डाल दो, अंगूठा मत हटाना, खाल में डाल दिए तुमने। नस निकालो, दिखाओ पहले, अंगूठे से दबा के बढ़िया करके भर जाए खून से, भर गई। इस सुई को हमेशा से इधर नोक से रखो, नोक जाए, यूं रखोगे तो ढलान जाएगी, नोक जाए, एक ही बारी में चली नहीं होगी। देखिए जी, फर्स्ट टाइम की ट्रेनिंग तो इनकी फेल हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे ही चल के अगर हम जरा देखते हैं कि हमारी जो बकरी है आईवी चल रही है और जुगाली बराबर कर रही है, और मैंने इसको 22 नंबर की निडल से आईवी चढ़ा रहा हूँ, जो कि आईवी ड्रिप के साथ में आती है, फुल स्पीड पे चल रही है, अभी तो सिंपल चल रहा है, लेकिन मैंने इसके अंदर अभी कौन सी प्लेक्स लीवर के लिए मिला दिया है। अब इसको इंशाल्लाह ये समस्या खत्म हो जाएगी। 4 ml मैंने इसके अंदर कौन सी फ्लेक्स मिला दिया है, पूरी सिंगल शॉट लगा के पूरी बोतल चढ़ा दी, बाकी सारे इंजेक्शन इंटरमस्कुलर। आपका बकरा बकरी अनाज फेंक रही है, लीवर से प्रॉब्लम है, गोबर करती है, कुछ भी समस्या है टू जेड, अगर कुछ भी लीवर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, ये ट्रीटमेंट जरूर करें, उसको कौन सी फ्लेक्स इंजेक्शन जरूर दें अगर आपको आता हो तो, वरना नजदीकी डॉक्टर से जानवर के जाके आप लगवा सकते हैं। वीडियो का रिजल्ट जो है ये आधा है, पूरा रिजल्ट देखने के लिए जो क्या असर हुआ है वो आप सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।